हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिविटीज पर। सो इस ड्राइंग के लिए हमें चाहिए 2B ग्रेड की पेंसिल एंड 10B ग्रेड की पेंसिल एंड HB ग्रेड की पेंसिल और इरेजर। और अभी हम इसको सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले आउटलाइन ले ली है ड्राइंग का, तो हमें पहले बीच बीच में थोड़े बहुत से पैचेस डालने हैं, जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ इधर। उसके बाद हमने इसमें थोड़े बहुत शेड करना शुरू कर देना। अब पहले हमने साइड पर थोड़ा बहुत अभी पहले डार्क करना है, उसके बाद लाइट लाइट डालना है। अब जैसे ही मैंने पूरा कवर कर दिया, अब हमने जैसे एजिस होते हैं ना, उधर से थोड़ा डार्क करके लेके जाना है और यहाँ से थोड़ा कर्व करना है इसको। अब जैसे कि मैंने करा है इसमें। और अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये अगर आपके पास स्टैंडिंग प्लम्ब है तो स्टैंडिंग प्लम्ब से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो फिंगर से भी कर सकते हैं। अभी मैंने स्टैंडिंग प्लम्ब से किया। और अभी जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकल गए थे उनको इरेज कर रहे हैं। और ये टिश्यू से भी इनको इसको हम ब्लेंड करेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और ये वाले साइड वाले पार्ट को शेडिंग ब्लेंड से या फिर फिंगर से ब्लेंड करना है या फिर ब्रश से। अब हमने 2B पेंसिल का एक कोट चढ़ाना है, वैसे ही सेम जैसे प्रोसेस हमने किया था। पहले पैचेस डालने थोड़े बहुत थे, उसके बाद एक सीधा लेयर चढ़ानी, शेड कर देना है इसमें। तो बस सेम ऐसे ही करना है हमने। अब इसको हमने दोबारा आउटलाइन देनी है। अब हर एक जब भी हमने कोट चढ़ाएंगे ना, उसकी आउटलाइनिंग जरूर देनी है। उसके बाद उसको ब्लेंड भी करना है आउटलाइन। अब हमने इसको आउटलाइन कर दिए, तो अब हमने इसमें शेड करना शुरू कर दिया पैचेस डाल के। और अब इसको ब्लेंड कर रहे हैं हम। इसको जब ब्लेंड करना है तो यार ये चीज़ याद रखनी, एक पैटर्न में ब्लेंड करना है। और जब कॉर्नर्स आते हैं वो पता ही है कि हमने थोड़ा बहुत डार्क प्रेशर अप्लाई करें जब हम कॉर्नर्स में होते हैं। अब इसको मैं दोबारा ब्लेंड करूँगा, स्टैंडिंग फ्रेम से कर रहा हूँ इसको ब्लेंड में। अभी मैंने ये चीज़ याद रखी कि ये 10B ग्रेड की पेंसिल से ज़्यादा लो प्रेशर अप्लाई कर रहा था मैंने स्टैंडिंग फ्रेम से। अब इधर से हम थोड़े बहुत से हेयर्स निकाल रहे हैं। ये हेयर्स आप जैसे मर्जी निकालो, स्टैंडिंग फ्रेम से जैसे मर्जी कर लो। अब हमने इसको ब्लेंड कर देना है। और हमने जब ब्लेंड कर रहा था, हमने एक चीज़ याद रखनी है कि हमने एक ही पैटर्न में करना है। अब जैसे कि मैंने इस पर ब्लेंड कर दिया। अगर आपको और अगर ऐसे ही अच्छे लगे तो इस वीडियो पे 10 लाइक देना। और आपको इसके थोड़े बहुत और इलास्टिक हेयर्स का पार्ट 2 मिला। तो मैंने इसमें सेम एज इट इज़, अब मैं इसमें से थोड़े बहुत पैच निकाल लूँगा वो भी इरेजर से। अब जैसे इसमें से थोड़े बहुत जैसे डिटेल्स के लिए, अगर आपके पास दूसरी भी इरेजर है इलेक्ट्रिक वाली टाइप तब वो यूज़ करते हैं। मेरे पास अभी पेंसिल वाली है तो मैं यही यूज़ कर रहा था। मेरे के पास ये वो वाली भी नहीं है, तो आप जो नॉर्मल 5 रुपीज़ वाली इरेजर से भी कर सकते हो। उसको कटर से आगे से थोड़ा काट देना और उसको थोड़ी बहुत ही शार्पन सी नोब दे देनी आगे से। अब जैसे मैं पैचेस दे रहा हूँ, जैसे मैंने 1 लाइन खींची बड़ी सी इरेजर से, उसके बाद उसी साइड से मैंने 2nd लाइन भी खींची थी। फिर जहाँ जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ वहाँ पर आप डाल सकते हैं। और ये जो हेयर्स हैं ये बिगिनर्स के लिए हैं, मतलब जो भी नई नई आर्ट सीख रहे हैं उनके लिए है। और ये इजी होएगी बिगिनर्स के लिए, क्योंकि अभी उनको थोड़ी भी प्रोफेशनल तो आते नहीं होंगे कि कैसे बनाते हैं, तो उनके लिए यही वाले हेयर से भी सही रहेंगे। पहले अब इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। सो ये दोनों हमने बनाए थे। इस वाले में थोड़ा अगर डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने 11B और 12B की भी यूज़ की थी। आप चाहो चारकोल भी यूज़ कर सकते हो और डार्क आ जाएगी फिर। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हुई वीडियो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।